जिस चीज़ से भी आपकी शक्ति बढ़े उस चीज़ को आप अर्जित करो, और जिस चीज़ से आपकी शक्ति घटे, दोनों शक्तियाँ, उसको आप समझ लो कि यही मैं पाप कर रहा हूँ जो शक्ति घटा रहा हूँ शरीर की। क्योंकि आत्म संरक्षण बहुत ज़रूरी है, मेरा जीवन जो है किसी तरह बचना है। अब इस संरक्षण के कारण से लोगों ने बहुतों ने कह दिया कि स्पाइनोजा भी गोल मोल करके और हॉब्स की तरह आदमी को स्वार्थी बना रहे हैं, बड़े इगोइस्ट हैं। लेकिन स्पाइनोजा इगोइस्ट नहीं है, दिखाई तो देते हैं ऐसे भाई, क्योंकि आदमी अपने संरक्षण की कोशिश करेगा, दूसरे के संरक्षण की थोड़ी करेगा। लेकिन स्पाइनोजा यही कहते हैं, आदमी को अपनी शक्ति वर्धन करने के लिए, आदमी को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लव की ज़रूरत है। आदमी अगर हेट करेगा दुनिया दुश्मन बन जाएगी, सारी शक्ति खत्म हो जाएगी उसमें। तो स्पाइनोजा जाए वो ईगोइस्ट नहीं है, ईगोइस्ट का परमार्थवादी है। जितने आप ज़्यादा लोगों से लव करोगे उतना आपकी संरक्षण की वृत्ति बढ़ेगी। कोई खतरा, जिसका सारी दुनिया से लव होता है, गांधी हैं, ईसा मसीह हैं, उनको कोई खतरा नहीं रहता। गांधी जी पर जब पहला हमला किया एक आदमी ने, तो सरदार पटेल ने वहाँ पुलिस भेज दी कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना हो। तो गांधी ने फौरन पुलिस को बुला के कहा, आपको किसने भेजा है? कहने जी होम मिनिस्टर ने आज्ञा दी है यहाँ रहेगी। उन्होंने कहा जिसका ईश्वर, जो आदमी ईश्वर से डरता है वो किसी चीज़ से नहीं डर सकता, और जो आदमी ईश्वर से नहीं डरता वो तो छोटे कुत्ते से भी डरता है। तो मेरी रक्षा करने वाला ईश्वर बैठा हुआ है, भाग जाओ यहाँ से, पुलिस को होगा नहीं। तो जितना आपके गांधी जी को पता था कि यहाँ इतनी जनता है मेरे लिए जान देने को तैयार हो जाएगी, तो स्पाइनोजा भी कहते हैं कि लव जो है ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आदमी की। वो जो हॉब्स वाली स्वार्थ की बात थी वहाँ तक तो ठीक है कि आदमी का जो है सारा, उसने दो बातें कर दी इन्होंने, एक तो ये बात ख़त्म कर दी हॉब्स की कि आदमी, हर आदमी प्लेजर चाहता है, साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, हर एक आदमी की इच्छा होती है मुझे प्लेजर मिले, पेन ना मिले। लेकिन स्पाइनोजा ने इसको उल्टा कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, आत्म संरक्षण के लिए जो भी काम किया जाएगा, हमारी इच्छा जो है वो प्लेजर सीकर नहीं है, हमारी इच्छा है आत्म संरक्षण, और आत्म संरक्षण के लिए जो भी हम काम करेंगे उसके एंड में क्या होगा, शक्ति संचय करेंगे, तो शक्ति संचय से प्लेजर मिलेगा हमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है प्लेजर हमारा किसी की। आदमी जैसे औरों ने भी पहले एग्जांपल दी थी कि हम जो मांगने जाते हैं वो दुख मांगने जाते हैं, सुख मांगने नहीं जाते। हम डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, डॉक्टर कहेगा पैसे बच रहे हैं अच्छा है ना लगे भूख, नुकन नहीं जी बिलर भूख के कैसे होगा सारा, तो हम भूख से तो दुख होगा तो हम दुख मांगने गए। तो हॉब्स की बात ठीक नहीं है कि आदमी सुख मांगने जाता है, आदमी वो चीज़ मांगने जाता है जिससे जीवन का सर्वाइवल हो। भूख मांगने इसलिए गया कि भूख मांगेगा रोटी खाएगा, रोटी खाएगा उसे हजम भी करेगा रोटी को, तो उस जब हजम कर लेगा तो आदमी जो उसके अंदर सारी शक्ति आएगी, तो ये पुण्य हो जाएगा, यही पुण्य शक्ति का अर्जन। तो इस तरह से स्पाइनोजा जो हैं वो ईगोइस्ट के बजाय परोपकारी बन जाते हैं। ये परोपकार जितना आदमी करेगा उतना ही उसका सेंस, वो कहेगा मुझे पुलिस की ज़रूरत नहीं, जनता मेरे। आजकल के लोगों पर यही लोग टिप्पणियाँ करते हैं, लोग वो कहते हैं कि पहले ज़माने में क्या था कि लोग चलते थे पब्लिक के से मिलते जुलते, आज ये है कि हम पब्लिक से जितने दूर हों उतना ही बड़े मिनिस्टर माने जाते हैं, पब्लिक के निकट नहीं आना चाहते। तो आदमी जो है सबसे जब प्रेम करेगा तो फिर उसे ज़रूरत नहीं पुलिस वुलिस की, उसका संरक्षण तो अपने आप हो जाएगा, कोई हाथ मिलेगा।
तो इस तरह से स्पाइनोजा ने रास्ता पलट दिया कि अपने संरक्षण के लिए परोपकार भी ज़रूरी है। मैं जिससे लव करूँगा वो ज़रूर मुझसे लव करेगा। और स्पाइनोजा ने यहाँ आकर के क्रिश्चियनिटी की बात कहनी शुरू कर दी। क्रिश्चियनिटी की बात क्या कहनी शुरू कर दी कि आदमी को किस तरह जीतोगे आप, आदमी को बाय लव जीतो। जितना आदमी आपसे हेट करता है उतना ज़्यादा आप उससे लव करो। गांधी जी ऐसी बातें अपनी प्रार्थना सभा में कहा करते थे। गांधी जी यही क्रिश्चियनिटी वाली बात कहते थे, अहिंसा, अहिंसा से आप आदमी को जीतो। वो कहते हैं अहिंसा से कैसे जीता जाएगा, हमारा दुश्मन जो है वो तो दुश्मन है। कहते नहीं। तो गांधी जी से एक ने प्रश्न किया, गांधी जी ने कहा भैया तू गांव से आ रहा है ना, उसने कहा हाँ जी गांव से आया हूँ। कहते जो खेती ऐसी होती है ना जिसमें 3-4 बार हल चला हो वहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार हल चला दो खेती हरी भरी हो जाएगी। और जो तूने अभी एक नई ज़मीन खरीदी है वो बंजर है बिल्कुल, तो वहाँ 6 दफ़े हल चलाना पड़ेगा। तो भैया अगर तेरी हेट ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेट कर रहा है तो तुझे ज़्यादा हल चलाना पड़ेगा, वहाँ ज़्यादा लव उसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो स्पाइनोजा भी बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। स्पाइनोजा कह रहे हैं कि आप हेट को लव के द्वारा जीतो। लव में बड़ी पावर है, क्योंकि लव तो गॉड है, गॉड का प्रेम जो है, ईश्वर का लव, ये तो सारी संसार को बड़ी मुश्किल से मिलता है, हर आदमी को नहीं मिल सकता। तो जब आप प्रेम करोगे दुनिया को, सारी दुनिया से प्रेम करोगे, तो उस प्रेम को जहाँ ज़्यादा ज़मीन हार्ड हो वहाँ हल ज़्यादा चलाना पड़ेगा, यानी जहाँ हेट ज़्यादा हो वहाँ आपको प्रेम ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए कोई आदमी अगर दुखी है तो उसने चाहे आपका बुरा भी किया हो, बिल्कुल ईसाइयत वाली बात कह रहे हैं। ईसाई कह रहा है कि रेंडर, जिस आदमी ने आपके साथ द्वेष किया है उस आदमी की मुसीबत में रेंडर हेल्प टू दिस मैन। इसकी कहानी हमने छोड़ दी थी, क्यों बहुत लंबी कहानी है, जब हम बात कर रहे थे तो हमने छोड़ दिया था कि भाई ईसाइयत में किस तरह सारा मामला है, प्रोडिगल सन का भी मामला है और ये भी बात है। तो ये चूँकि कहानी बहुत लंबी है, लेकिन उसका निष्कर्ष ये निकाला था उस कहानी में कि आपने अगर एक दुश्मन को दोस्त बना लिया तो समझो आपने एक किंगडम जीत ली, और अगर आपने एक दोस्त को दुश्मन बना लिया तो यू हैव कमिटेड ए ग्रेट सिन। इससे बड़ा कोई दोष नहीं हो सकता कि आदमी अपने मित्र को भी दुश्मन बना ले अपना, और इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती दुनिया में कि आदमी एक दुश्मन को जीत के अपना दोस्त बना ले। अगर करनी है ईसाइयत की बात है तो ईसाइयत, ईसाई धर्म ने, तो स्पाइनोजा ने ये चीज़ ईसाई धर्म से ले ली कि लव से जीतो लोगों को अगर दुनिया में ये आपका, और जब लव करोगे आप उनको तो वो भी आपको उतना ही लव करेंगे। तो ईसाइयत की कहानी तो बहुत लंबी है, कभी दोबारा बाद में सुनाएंगे, लेकिन ईसा मसीह ने यही बात कही है जो बहुत ऊंची बात है ईसा मसीह की, कि अगर आपने एक दुश्मन को दोस्त बना लिया तो समझ लो आपने एक किंगडम जीत ली, एक बहुत बड़ा स्वराज हिंदुस्तान जीत लिया। और आपने अगर अपने एक दोस्त को दुश्मन बना लिया तो इसका मतलब इससे बड़ा गहरा पाप, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो स्पाइनोजा भी कह रहे हैं ये। अब स्पाइनोजा जब इसको व्यवहार में लाते हैं तो उनकी थ्योरी में कंट्राडिक्शन आ जाता है। कंट्राडिक्शन क्या आ जाता है उनकी थ्योरी में, वो कहते हैं कि गॉड जो है, उसको क्रिश्चियन ने जो गॉड बनाया है वो गॉड मैथमेटिकल नेसेसिटी की तरह काम कर रहा है, उस नेसेसिटी की तरह काम होता है, तो डिटर्मिनिज्म है पक्का। हम उन लॉ को नहीं समझते इसलिए दुख हो जाता है हमें,
कल भी हमने बात की थी कि एक आदमी हमारा बहुत गहरा मित्र था, वो मर गया, तो हमें देखना चाहिए कि इसको ये बीमारी थी, इसके शरीर में ये कमजोरी थी, ये ईश्वर का लॉ है, इसको कोई टाल नहीं सकता था। अब ये लॉ हमारे यहाँ भी चलता है, हिंदुस्तान में हो नहीं हुई जो राम रचिरा का, जो राम तो कोकर तर्क बढ़ा हमेशा का, जो ये मान लेगा कि भाई ये तो आदमी जो तो स्पिनोज़ा यही बात कह रहे हैं, स्पिनोज़ा कह रहे हैं कि गॉड के अंदर कोई इमोशन नहीं है, गॉड बिल्कुल फ्री फ्रॉम इमोशन है, ना एक्टिव इमोशन है वहाँ, ना पैसिव इमोशन है। तो गॉड के पास आप जितने निकट जाओगे उतना संसार का ये जो बंधन है, क्योंकि सबसे बड़े बंधन दो ही बताए इन्होंने, राग और द्वेष। राग का भी तो एग्जांपल वही, भाई उसने मार दिया अपनी पत्नी को, मार दिया क्योंकि बिल्ली से ज़्यादा तोते से ज़्यादा प्यार करता था वो, तो तोते को उनने पत्नी को मार दिया, तोते को तूने मेरे दुखी क्यों किया। तो राग जो है आदमी को पतन का कारण है, और इसी तरह से द्वेष, जिस आदमी से हम द्वेष करते हैं, अब उसका भी हमारे यहाँ जीवित एग्जाम्पल है। यहाँ एक आदमी जो था वो ये द्वेष करता था कि ये लड़का टॉप कर जाएगा, इसको टॉप नहीं करना जाना, किसी तरह रोकना है। तो जब वो पेपर देने आ रहा था जहाँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, उसने दूसरे लड़के ने आके कहा कुछ भी, इतनी ज़ोर से टक्कर मारो, वो गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई, सारी चोट लग गई। तो जिसने वो टक्कर मारी थी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, डॉक्टर आनंद के यहाँ गए। डॉक्टर आनंद ने कहा कि भाई मैं तेरी ज़मानत तो ले सकता हूँ, बचा सकता हूँ तुझे, तू इसके इलाज का सारा खर्चा दे दे। तो उन्हें एस्टिमेट लगा क्या कि 43 जगह फ्रैक्चर हुआ है, 40,000 रुपया तू दे दे। तो उसने कहा मेरा तो उद्देश्य ये था कि इसको परीक्षा में नहीं जाने देना, इसलिए मैंने टांग तोड़ दी इसकी 3 जगह से, अब ये 1.5-2 महीने तक नहीं उठ सकेगा। तो द्वेष जो है वो भी आदमी को कितना नीचे गिरा देता है। तो ये कहते हैं कि राग और द्वेष बहुत ज़बरदस्त बंधन है आदमी के, इन बंधन से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है, ये आदमी के माइंड को बिल्कुल पैसिव कर देते हैं। तो गॉड में क्या है, गॉड में ये इमोशन नहीं है, ना राग है ना द्वेष है। गॉड ना किसी से घृणा करता है और ना किसी का पक्षपात करता है, तो इमोशन रहित है गॉड। तो आप भी जब गॉड की तरह बनना चाहते हैं, परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो इमोशन से ऊपर उठ जाओ, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। अब पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई है तो कहते हैं तो नेसेसिटी, गॉड तो मैथमेटिकल नेसेसिटी से काम करता है, इसकी अभी मौत होनी थी, इसी वक्त होनी थी, इसी हालत में होनी थी, ये इसका इसमें किस क्या अफसोस करना, कौन जाए वहाँ अफसोस करना, उसके घर रोना, ये जाएंगे भी जाके इसको जला जुलू के आ जाएंगे कोई नहीं। और किसी के यहाँ खुशी हो रही है तो कह रहा है कि अरे बच्चा तो होना ही था इसके, इतने दिन हो गए थे शादी को, अब ये हो गया सारा, तो वहाँ उसके नहीं जाएगा। तो ऐसा आदमी जो इमोशन से सारा ऊपर उठ जाता है बिल्कुल, वो किसी तरह के दुख में नहीं पड़ता, सब दुख से ऊपर उठ जाता, ये फ्रीडम है आदमी की। इमोशन से ऊपर उठ जाओ, पैशन से उठ जाओ, ना दुख ना सुख, आपको किसी के दुख सुख में कोई नहीं। और जब इससे ऊपर उठ जाओगे तो कोई बंधन आपके ऊपर नहीं रहेगा, फिर आप मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। तो स्पिनोज़ा जो है वो अद्वैत वेदांत की तरह से बिल्कुल भारत की तरह से बात कर रहे हैं, हालांकि वो भारत आए नहीं थे स्पिनोज़ा, लेकिन भारत की तरह से बात कर रहे हैं सारे कि राग द्वेष से ऊपर उठ जाओ, सबसे न राग दो न द्वेष, और बिल्कुल ब्रह्म में लीन हो जाओ, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि हो जाओगे, तो आप बिल्कुल संसार से ऊपर जब उठ जाओगे तो फिर आप ब्रह्म बन जाओगे, और ब्रह्म में कोई इमोशन नहीं होता। तो स्पिनोज़ा ने इस तरह से लव ऑफ गॉड, विवेक अपनी एथिक्स में कर दिया कि विवेकहीन आदमी कभी भी, वो हमेशा पतित ही होगा, नीचे गिरेगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। और इसी तरह उन्होंने कर दिया कि हमारे आदमी जो हैं वो अपने जो अपने संरक्षण चाहते हैं,
तो अपनी संरक्षण प्लेजर मत सीख करो, हॉब्स की तरह एगोइस्ट बनो, मेरा संरक्षण, मैं अपने आप को किसी तरह संरक्षित रखूं, मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊं, अपनी शक्ति को मानसिक शक्ति बढ़ाऊं, अपनी शारीरिक शक्ति, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए तो काम करूंगा, लेकिन वो स्वार्थ जो है बाद में इसलिए परमार्थ बन जाएगा कि मैंने अपनी शक्ति बढ़ानी है तो 10 दोस्त भी बना कर रखूँ, अगर 10 दुश्मन बना लिए तो मेरी शक्ति हीन हो जाएगी। तो इस तरह से स्पाइनोज़ा ने एथिक्स को बहुत ऊंचा बना दिया।